देश में इन दिनों अलग अलग मुद्दों पर आग भड़की हुई है। नुपुर शर्मा से लेकर अग्निपथ तक पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। आलम यह है कि हर मुद्दे पर बीजेपी को ही सवालों के निशानों पर आना पड़ रहा है। इसी के साथ अब ओवैसी ने भी भरी सभा में कुछ ऐसा कह दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। देश में हर दिन कोई न कोई मुद्दा जरूर उखड़ जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों बना हुआ है। ज्ञानव्यापी से लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर बढ़ता विवाद और अब अग्निपथ पर फैलती आग ने हर जगह आगजनी का माहौल बना दिया है। आलम ये आ गया है कि बीजेपी को हर जगह से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। हर मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही अब ओवैसी ने कर दिया है, जिसे सुनने के बाद एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप ओवैसी का ये बयान सुनिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रोंगदार होंगे और उसको बनाकर पेश किया जाएगा तो बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के होदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। ये तो हकीकत है हमारे देश की। तो सुना आपने कि कैसे ओवैसी बीजेपी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। नुपुर शर्मा का युग गायब हो जाना, साथ ही पूरे देश में हाहाकार मचने के बावजूद नुपुर शर्मा की अभी तक ना हुई गिरफ्तारी ने पहले ही बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। लेकिन ओवैसी आग में घी डालने जैसा काम भी कर रहे हैं। ओवैसी का नुपुर पर टिप्पणी करना साथ ही बीजेपी को क्या मुसीबत में डाल सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बयान को सुनने के बाद ओवैसी ने कई लोगों को भड़काने का काम भी जरूर किया है। ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में। असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा ओवैसी कानून के तहत लड़ने वाली लड़ाई को ज्यादा महत्व भी देते नजर आते हैं। लेकिन अब नुपुर शर्मा के साथ सरकार पर ओवैसी का पलटवार क्या मोड़ लाती है, ये तो देखने वाला होगा। लेकिन नुपुर शर्मा के साथ साथ सरकार इस समय हर मुद्दे पर घिरती जरूर नजर आ रही है। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज।